असली बराती तो बस पे चढ़ गए, तुम लोग भी लोड हो जाओ। I have met my sister. Hi. I'll see you in the hotel. Okay. तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग शुद्ध देसी रोमांस मूवी की दो शूटिंग लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहली शूटिंग लोकेशन के ऊपर। फाइनली दोस्तों मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका हूं जिस लोकेशन के ऊपर शुद्ध देसी रोमांस मूवी की शूटिंग हुई थी। और यहां पर ये जो नज़ारा है मतलब कतई जहर वाला नज़ारा है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां से दिखाता हूं। तो यहां पर आप ये देख सकते हो, ये जो जगह है उसका नाम है अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूं। और ये यहां पर मेन रोड है तो थोड़ा सा संभल के अपने को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अल्बर्ट हॉल है, ये एक म्यूज़ियम है। उधर की साइड से आप जाके अंदर जो म्यूज़ियम है वो भी देख सकते हो, लेकिन इसका जो बाहर वाला जो ये नज़ारा है मतलब बहुत ही सॉलिड है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अभी सीन टू सीन कंपैरिजन करके बताता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से जो सीन है वो शूट करे गए थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस वाली जगह के ऊपर यहाँ पर उन्होंने अपनी जो दो बस है वो खड़ी करी थी, जहाँ पर जो बारात वाला जो सीन है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सीन आ रहा है वो वाला जो सीन है वो इस वाली जगह के ऊपर यहाँ पर शूट करा गया था। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में देख सकते हो आपको ये वाली जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। हालाँकि आप इस म्यूज़ियम को देख के आपको पता चल ही जाएगा कि मैं कौन से सीन की बात कर रहा हूँ, फिर भी आप एक बार सीन टू सीन कंपेरिजन करके देख लीजिए। आपको पीछे ये जो गुंबद है वो देखने को मिलता है। और इसी जगह के ऊपर एक्चुअली ये जो जो एरिया है, इस वाली एरिया के अंदर यहाँ पर उन्होंने जो बारात की जो बस जाती है वो वाला जो सीन है वो इस वाली जगह के ऊपर शूट करा गया था। वो सामने की साइड यहाँ पर रामनिवास बाग है और ये पूरा का पूरा एरिया है। यहाँ पर काफ़ी लोग सुबह सुबह ये जो कबूतर है उनको दाना डालने के लिए आते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक इन कबूतरों का स्लो मोशन शॉट दिखाता हूँ, आप लोग को भी मज़ा आ जाएगा। और अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो यूज़र आईडी आ रही है वहाँ पर मैं बड़ी धमाकेदार फोटोज़ अपलोड करता रहता हूँ, तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलते रहें। और हम लोग इन फ्यूचर में इंडिया में बहुत जगह पर घूमने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी अपन चलेंगे दूसरी शूटिंग लोकेशन के ऊपर, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत एक दुकान के बाहर खड़े होकर एक फॉरेनर को दुपट्टा बेचते हैं, वो वाला सीन को देखने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं बापू बाजार, जहां पर शुद्ध देसी रोमांस मूवी के अंदर जो सुशांत सिंह राजपूत जिस दुकान के ऊपर खड़े रहते हैं और वहाँ पर दुपट्टा बेचते हैं एक फॉरेनर को, वो वाला जो सीन है वो यही एक मेरे पीछे जो दुकान है उसके ऊपर यहाँ पर शूट करा गया था। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो जो सीन है वो कैसे कैसे शूट करा गया था और कौन कौन सी लोकेशन थी, और साथ में हम लोग सीन टू सीन कंपेरिजन करेंगे ताकि आप लोग को जो परफेक्ट जो जानकारी है वो मिल सके। तो चलिए मैं अभी आपको मेरे बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा बापू बाजार है और यहाँ पर आपको सेम एक जैसी दुकानें मिलेगी, बस उन सब दुकानों का जो नंबर होगा वो थोड़ा सा अलग अलग होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से वरना आपने को कोई उड़ा देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक दुकान है सिलाज इम्पोलियम कुछ तो है 79 करके, इस वाली दुकान के अंदर यहाँ पर वो जो सीन है वो शूट करा गया था। तो चलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ अंदर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली वो शॉप होती है जहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत खड़े रहते हैं, यहाँ पर जो भैया यहाँ पे बैठे हैं उसी जगह के ऊपर यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत खड़े रहते हैं। और यहाँ पर ये वाला वो काउंटर रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा काउंटर की जो डिज़ाइन है वो दिखा रहता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट के साथ मैच करके देख सकते हो। और इस वाली जगह के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे दुपट्टे
लगाए हुए होते हैं और इसी जगह के ऊपर वो लोग खड़े रहते हैं। और यहाँ पर आप पीछे जो फर्श की जो डिज़ाइन है उसके साथ भी मैच करके देख सकते हो। और ये वाली वो पूरी की पूरी शॉप रहती है। और इस वाली जगह से यहाँ पर जो परिणीति मैम है वो यहाँ से आती है और इधर से वो बात करते हुए फिर यहाँ से चले जाते हैं इधर के साइड। और इधर ही वो फॉरेनर भी रहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग दुकान के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो दुकान है वो कैसी है और जो दुकान के जो ओनर हैं उनसे भी बात कर लेते थोड़ी सी। तो आप देख लीजिए ये पूरी की पूरी दुकान है और ये दुकान के ओनर हैं। सर जी आपका नाम? मेरा नाम दीपक। तो सर आपको थोड़ा सा उस मूवी के बारे में कुछ आइडिया है? कभी शूट हुई थी? 2012 में आई थी। 2012 के अंदर मतलब उसकी शूटिंग हुई थी, 2013 के अंदर आई थी वो। अच्छा, तो सर आपकी ये दुकान कितने टाइम से? 1982 से। और यहाँ पर मतलब क्या क्या मिलता है? साड़ियाँ, सूट, कुर्तीस। तो अपने जितने भी जो सब्सक्राइबर्स हैं जो जयपुर से अपने को देख रहे हैं तो भैया के पास ज़रूर आइएगा। शॉप का नाम है सिलाज और 79 की शॉप है। तो भैया थैंक यू।